तेघड़ा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गौरा मरसौती चौर में आग लगने से सैकड़ों एकड़ में लहलाती गेहूं की फसलें जलकर राख हो गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही गौरा एवं मुसहरी गांव सहित आसपास के हजारों लोगों ने छुटकर आनन फानन में लाठी डंडे एवं मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग विकराल रूप लेती जा रही थी। सबसे बड़ी लापरवाही अग्निशमन विभाग तेघड़ा की है, जो आम लोगों तो दूर अधिकारियों का भी फोन रिसीव नहीं करते। इस विकट परिस्थिति में लोगों को दमकल की तुरंत आवश्यकता रहती है। बाद में तेघड़ा से दमकल की दो गाड़ी एवं भगवानपुर से एक गाड़ी के द्वारा पूरे प्रयास से आग पर काबू पाया गया। तब तक आग की लपटें सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसलों को जलाकर राख कर दिया था। इस अग्निकांड में जिसमें गौरा मुसहरी सहित आसपास के किसानों की फसल आग लगने से खाक हुई, हमारे संवाददाता अभिषेक भारती ने बताया कि गौरा के किसान गोवालाल पंडित, चारों पंडित रामानु राय, दयानंद चौधरी, जनार्दन चौधरी एवं मुसहरी के चंदन कुमार दुखनी देवी सहित अन्य किसानों का तैयार गेहूं फसल की फसलें आग की फेर चढ़ गई। आग लगने से किसानों को लाखों रुपए की क्षति हुई है। पीड़ित किसानों ने मौके पर पहुंचे अधिकारियों से मुआवजा देने की गुहार लगाई है। आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी तेघड़ा के संदीप कुमार पांडे, अंचलाधिकारी परमजीत सिरमौर, तेघड़ा अग्निशमन के हवलदार विकास कुमार, कर्मी विजय कुमार सुमन, जनप्रतिनिधि सहित आम लोग मौजूद थे।